हाय वर्गो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यहाँ पे आपके पर्सन की, आपके माइंड में जो भी पर्सन है उनकी रीडिंग देखने वाली हूँ, क्लैरिफाई कर रही हूँ। आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है? पॉजिटिव पॉजिटिव फ्यूचर में कौन आता है या जो भी आपके करंट दिमाग में जो भी होगा उनका उनको देखेंगे। मैंने कहा फूलों से, ये गाना चैनल हो गया, ठीक है? पॉजिटिव लेंगे, वाओ ग्रोथ द एम्प्रेस का कार्ड निकला है, ओके ठीक है, आप सुन लेना वो गाना। मैंने कहा फूलों से, एट ऑफ सॉर्ड्स वर्गो, आप क्यों इतना मिरर कर रहे हो, ठीक है? एट ऑफ कप्स, ब्लॉकेजेस, टू ऑफ कप्स, वाओ इट्स टू गुड, माय गॉड, इट्स डेफिनेटली वर्गो, वर्गो पीपल। टू ऑफ सॉर्ड्स, कितना थिंकिंग कर रहे हो, ओवर थिंकिंग, ओ माय गॉड, आपकी एनर्जी क्यों, अगला वाला पर्सन भी पॉजिटिव दिख रहा है मुझे और आप कौन से थिंकिंग कर रहे हो भाई, ठीक है वर्गो, चलो क्लैरिफाई करते हैं, आगे चलते हैं, पर गाना जरूर सुनना, ओके बहुत ही सुंदर गाना है वो। क्या मैंने कहा फूलों से, खिलखिला के वो हंसती है, मुझे नहीं बोलने याद आ रहा है, बहुत पुराना सॉन्ग है, ठीक है देख लेना। भाई मेरे भाई, हंसने के लिए ऐसा कुछ तो भी है, प्लीज़ देख लेना या मुझे कमेंट्स सेक्शन में बता देना। द एम्प्रेस, हम आपके पर्सन को क्लैरिफाई करेंगे, द एम्प्रेस, प्लीज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, द एम्प्रेस, बहुत ही सुंदर कार्ड आया है, वाओ मैंने कहा ना वो आपके तरफ आ रहे हैं भाई, ठीक है वो आपको चाहते हैं, वो आपको तरफ आ रहे हैं, प्यार लेके आ रहे हैं, ठीक है। देखिए राइट नाउ उनका प्लान, उनका फोकस जो है तो अपने करियर पे, ग्रोथ के ऊपर है उनका, ठीक है, वो स्टेबल पर्सन है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं उनके लाइफ में और उनको जो सक्सेस चाहिए, जो भी चाहिए उनको, उसके लिए वो लगे हुए हैं, ठीक है, उसके लिए वो प्लानिंग बना रहे हैं और वो किसी को ज़्यादा अपने लाइफ में एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, किसी को नहीं, ठीक है, बट यस वो आपसे प्यार करते हैं, दिस इज यस, वो आपको शायद नहीं अभी आपको शायद अभी इतना वैल्यू नहीं देते होंगे या कुछ, आप धीरे धीरे वो देते जाएंगे, ठीक है, ये धीरे धीरे वो देते जाएंगे क्योंकि अभी कैसा है कि वो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बिजी पर्सन है और ऑलरेडी उनको इस चीज़ का या प्यार व्यार जो भी है इसका बहुत पहले भी बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, इसलिए वो यहाँ पे थोड़ा सा खुद के दिल को रोके हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखिए वो जो काम वर्क कर रहे हैं वहाँ पे ना उनके पास में यहाँ पे ऐसी स्ट्रगल वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि जो वो जो भी फील्ड में होंगे वहाँ पे उनको स्ट्रगल चालू है कि उनको जहाँ पे जाना है, एक रहता है ना जो भी अपनी एक पोस्ट कैच करना रहता है या कुछ भी सक्सेस होना रहता है तो उसमें ना वो ये कर रहे हैं और उसके लिए क्या हो रहा है कि उनकी फैमिली हो या
उनका जो उनके जो सराउंडेड पीपल है वो ना थोड़ा सा उनसे नाराज भी है, क्योंकि उतना जितना उन्होंने उनके ना उनके घर वालों ने उनसे जितना एक्सपेक्ट किया था कि वो इतना जीवन में उतना सक्सेस मिलेंगे, तो वो उतना अभी तक सक्सेस मिला नहीं पाए, इसलिए वो ना पूरा यहाँ पे फोकस अपने करियर के ऊपर लगा रहे हैं कि वो चाहते हैं कि मैं एक बार जीत जाऊँ, एक बार सब कुछ कर लूँ, फिर थोड़ा सा रेस्ट रेस्ट की एनर्जी में आऊँ कि हाँ ठीक है मेरा सब कुछ अभी ठीक हो गया, देन आई ओपन माय हार्ट फॉर लव। यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, ठीक है। बट वो आप उनके लाइफ में कहीं तो भी टच मिस गए हो, एंट्री की है, कभी तो भी मुलाकात हुई है, जो भी हो तभी भी वो आपके बारे में कभी ना कभी सोचेंगे, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पे ये एनर्जी फील हो रही है, और उनके जीवन में आपको सिलेक्ट करना यानी बहुत बड़ी टावर मोमेंट, मीन्स बहुत बड़ी उनको हिम्मत लेनी पड़ेगी कि आप उनके जीवन में आए और वो फोकस लगा के आएंगे, ठीक है। आएंगे, टाइम लगेगा बट आएंगे, ठीक है। एंड वाव द फूल का कार्ड, यस, वो उनका न्यू जीवन, न्यू लाइफ वो स्टार्ट करना चाहेंगे तब, जब वो पूरी तरह सक्सेस हो जाएंगे उनका उनका, क्योंकि उनको जो फ्रेंड्स है या कोई भी हो उनको ना उनके चाहे कितना भी सक्सेस मिल जाए पर वो उनको यही कह रहे हैं कि अभी तक उनको रियलाइज करके दे रहे बार बार कि अभी तक आपने आपको सक्सेस सॉरी आपको सक्सेस नहीं मिला है, ओके। तो इसके वजह से वो बार बार वहीं पे सोच रहे हैं कि मैं पूरा पहले अच्छे से बन जाऊँ और फिर अपनी लव लाइफ या मैरिज जो भी है फिर मैं इसके बारे में सोचूं, ठीक है। पर आप उनके लाइफ में गए हो तो आप डेफिनेटली यहाँ पे ये करेंगे। बट यहाँ पे आपकी एनर्जी वर्गो, आपकी एनर्जी आप मिररिंग कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। अभी खुद को आप इम्प्रूवमेंट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, जो कि आप पहले ज़्यादा डिप्रेशन में थे। एट ऑफ सॉर्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, बर्डन लेके बैठे हो गए या न्यू लाइफ शुरू हो रही है आपकी, न्यू लाइफ, एक लाइफ खत्म हो चुकी है, ये न्यू लाइफ के आपके पार्टनर हैं, जिनको भी आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, जिनको भी आप माइंड में लेके बैठे हो, डेफिनेटली ये आपके नए जीवन के नए पर्सन हैं। एक साइकिल आपकी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का बर्डन है कि वो मुझे सिलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, वो मुझे पसंद करेंगे, मेरी चॉइस उनकी चॉइस मैच होंगी, वॉट एवर, ऐसे बहुत सारे चीज़ों का आप यहाँ पे बर्डन लेते हुए दिख रहे हो, या आप उसमें जीतना चाहते हो, आपकी इच्छा है कि कुछ भी करके मुझे ये प्यार मिल जाए, या डेफिनेटली आपकी भी थिंकिंग सेम है उनके जैसे, आप भी चाहते हो कि हर चीज़ थोड़ी स्टेबल हो जाए, अच्छा हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। या सेम कार्ड सेम एनर्जी, वाओ, यहाँ पे जब टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है ना, तो टू ऑफ कप्स की एनर्जी यही बताती है, टू ऑफ कप्स मीन्स यानी आपका एक हार्ट और उनका एक हार्ट, यहाँ पे बहुत ही सुंदर पैचअप रहता है। तो ये एनर्जी आते ही मुझे समझा कि आप दोनों एक दूसरे को, आपको पता चल गया है दिस इज द ट्रू लव फॉर यू, ओके गुड, इसलिए तो मुझे गाना याद आ गया। यस, मैंने आपके सामने शफल किया कार्ड्स, ऐसा नहीं कि मैंने शफल नहीं किए, शफल किए, फिर भी जो एनर्जी सेम पीक होती है वो पीक होती है। या आपको भी आपके लाइफ में एक्सपीरियंस मिला है, इसलिए आप भी थोड़ा
इस प्यार को रोक के रखे हो, आप यही प्लानिंग बना रहे हो कि जब तक कुछ ठीक से अच्छा हो ना जाए, पूरा स्टेबल ना हो जाए, तब तक यहाँ पे हम स्टार्ट नहीं करेंगे। वाओ, ओह माय गॉड, सिलमेना जी, आप कहते हो कि पूरा एकदम आपको भी ना कोई ऐसा सब कुछ मिलने के बाद आपको ना अभी कोई फ्रेंड नहीं है, कोई नहीं है, आप जैसे अकेले हो। यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे आ रही है और भगवान को बहुत मान रहे हो आप, और आप यही चाहते हो कि आपके जीवन में भी आप थोड़ा सक्सेस हो जाए, तो फिर बात बनेंगी। आप भी किसी के साथ में बात नहीं करना चाह रहे अभी, ठीक है? आपकी भी सिंगल एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि पहले मैं अपना करियर या जो भी है, मैं पहले अपना ठीक से कर लूँ और फिर आगे बात बढ़ाऊँ। तो यहाँ पे आप भी आगे बात बढ़ाने वाले हो। जब सब इक्वल हो जाए, आपको दिखेगा कि नहीं ये सब पूरा बैलेंस हो रहा है, देन ये उस बहुत वो आपके तरफ आएंगे और आप उनके तरफ जाओगे, ठीक है? वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स के तरफ से हो जाएगा, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप फोकस करो आपके करियर के या ग्रोथ के ऊपर। खुद को यहाँ पे मिररिंग कर रहे हो, दैट मीन्स आप बहुत पहले डिप्रेशन में थे, आपको डिप्रेशन से यहाँ से निकलना है। ये नेक्स्ट टाइम ये पॉजिटिव कार्ड आना चाहिए, ओके? आफ्टर 15 डेज। तो यहाँ से आप सेल्फ लव करो, ठीक है? यहाँ पे ये गाइडलाइन है, सेल्फ लव करो, ठीक है? और करो, ठीक है? सेल्फ लव करो, मिरर में बोलो बार बार, जैसे यहाँ पे ना बोलते भी होंगे, पर और बोलो कि आई लव माई सेल्फ, ओके? तो ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जी यहाँ पे थी, ठीक है? एट ऑफ कप्स यहाँ पे देखेंगे, आपके आपके ब्लॉकेजेस क्या थे। हुआ बहुत ही सुंदर है, ये आ रही है फीलिंग्स यहाँ पे, बहुत ही प्यारी फीलिंग्स आ रही है। एट ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई। एट ऑफ कप्स, ठीक है? यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ना आप ना एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। वो जैसे एक दूसरे को ऐसे बैलेंस नहीं कर पा रहे हो कि जैसे आप सोच रहे हो कि यार वो तो बहुत ही स्मार्ट है, मैं नहीं हूँ लाइक दिस, यार वो तो बहुत अमीर पर्सन है पर मैं नहीं हूँ, ऐसा यानी आप थोड़ा सा बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है? एक बहुत बड़ी कंपैरिजन नहीं, पर छोटे छोटे लेवल पे आप आपके ही दिल में एक कंपैरिजन लेके बैठे हो, ठीक है? और आप ना उसमें कुछ क्रिएटिव कुछ कर ही नहीं रहे हो, ठीक है? कि ये रिलेशन कुछ बने, आप ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हो कि हाँ उनसे मिलो या उनसे कॉल करो या कुछ कभी ये करो, नहीं यहाँ पे नहीं हो रहा है ये, ठीक है? तो यहाँ पे आपका फोकस थोड़ा कम होते हुए दिख रहा है कि आप थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है? आप कहीं से चाहते हो कि कहीं से मिल जाए या अपने करियर के ऊपर फोकस करूँ। आप खुश होना चाहते हो पर खुश ही नहीं हो रहे हो आप। आपके दिल से आप खुश ही नहीं हो रहे हो, माय गॉड, इसलिए शायद वो गाना आया होगा, चैनल हुआ होगा, मैंने कहा फूलों से या यहाँ पे फ्लावर से, फ्लावर से वो भी सनफ्लावर से, ओके? सनफ्लावर से जो पॉजिटिव, बट यहाँ पे एट ऑफ कप्स हम रिवर्स में देखते हैं, दैट मीन्स आप खुश होना चाहते हो, अंदर से खुश होना चाहते हो, बट वो खुशी ही नहीं आ रही, एनर्जेटिक ही नहीं हो रहे हो आप। कैसे करेंगे? तो ये क्योंकि आप ये एनर्जी में बैठे हो ना भाई, ये एनर्जी में बैठे हो वर्गो, निकलो यहाँ से, तभी ये खुशी आएगी।
आप ना एक दूसरे को मिल भी नहीं रहे हो, ना गिफ्ट दे रहे हो, कुछ भी नहीं, नथिंग. शायद बहुत दूर दूर हो आप, ऐसा मुझे दिख रहा है. और डिफरेंस भी है या? आपके दोनों के एज में भी डिफरेंस हो सकता है यहाँ पे. ओके या आप वेट कर रहे हो कोई तो भी ऐसी पाथ बन जाए आपके दोनों के बीच में एक मिलन की, ऐसा हो रहा है पर आपको कोई मिल नहीं रहा है. सो सॉरी यार. बट यहाँ पे ट्रू लव्स की तो फीलिंग्स आ रही है, एनर्जी है इसमें, दम है, न्यू लाइफ है, न्यू जर्नी है तो स्टार्ट होगी. ओके फाइनली हम टू ऑफ कप्स को देखेंगे. टू ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई द टू ऑफ कप्स. यहाँ पे फीलिंग्स आ रही है मुझे, दिल दिया है जान भी देंगे. तेज का सॉन्ग, हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, जैसे हम प्यार करते हैं ना अपने वतन से, लाइक दिस. यहाँ पे फीलिंग्स आ रही है कि हाँ मेरा ये सच्चा प्यार है और मैं इसके लिए कुछ ना कुछ करूँगी जरूर. यहाँ पे टू ऑफ कप्स, यस टू ऑफ कप्स, सेम एनर्जी आई है. ओह माय गॉड, यस 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 टू ऑफ कप्स. आपका दोनों को मिलना बहुत जरूरी है, कहीं पे भी मिलो यार. प्लीज बातें करो, एक दूसरे को मिलो, या यूनिवर्स आपको कहीं पे मिला देगा. यस मैंने बोला ना, इट्स मैं, मुझे एनर्जी वैसे आ रही है. या दोनों का भी कहना है कि मैं स्टेबल हो जाऊँ. वे मैंने कहा ना, पैसे दोनों हाथ में, दोनों थिंकिंग इन्फिनिटी आपके पास में, यानी सब अच्छा बैलेंस हो जाए. तब आप दोनों एक साथ में आओगे, यानी मैरिज करोगे हाँ उसके बाद में, तो तब तो नहीं, पर एक मीटिंग बहुत जरूरी है. प्लीज मिल लो भाई, मिल लो. यस या क्वीन ऑफ कप्स, वाह बहुत सारा प्यार है आप दोनों में, बहुत ही प्यार है, टू मच लव यार, इट्स अ ट्रू लव. मैंने कहा ना टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई ना, तो टू मच ट्रू लव्स, द एम्प्रेस, सक्सेस या टू ऑफ वॉन्ड्स, यानी दोनों ही फोकस करोगे, एक टाइम आएगा कि दोनों ही फोकस करोगे एक दूसरे के तरफ, और यहाँ पे सक्सेस है डेफिनेटली. ठीक है, उनके जीवन में एंट्री करो, मिलो उनसे या वर्गो प्लीज, या इधर उधर की बातें मत सुनो प्लीज. ठीक है, खुद के दिल को झाको, दूसरे क्या कहते हैं आपको कुछ नहीं करना है, दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे लोग क्या सोचेंगे, दूसरे लोग क्या टॉर्चर करेंगे, डोंट केयर प्लीज, डोंट केयर. ठीक है, ये चीज़ को आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप इस रिलेशन में आगे बढ़ोगे. ठीक है, आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि आपके फैमिली मेम्बर्स क्या कर रहे या सोसाइटी क्या कर रही, क्योंकि आज तक आपकी लाइफ जो गई है वो उसमें लोग नहीं आए ना आपको हेल्प करने के लिए, तो आपको खुद ही झेलना पड़ा ना आज तक जो आपने किया है, जो भी स्ट्रगल किया है, जो भी किया है वर्गो. तो यहाँ पे आपको उनके टॉर्चर्स ये वो उनके तरफ ध्यान ही नहीं देना है. वाओ, टेन ऑफ कप्स की एनर्जी, यस. आगे बढ़ो या जो भी पर्सन है आपके दिल में, आपने शायद यहाँ पे मुझे अवेकनिंग की भी खुशबू आ रही है, क्योंकि यहाँ पे शायद आपकी वर्ग अवेकनिंग हो चुकी होगी, आपको पता चल गया होगा कि आपका प्योर सोलमेट कौन है. ओके यहाँ पे ये भी हो सकता है. आहाओ, नाइस नाइस,
ठीक है, टू ऑफ सॉर्ड्स को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। जो और भी गाना चैनल हो रहा है, क्यों इस रीडिंग में मुझे गाना क्यों चैनल हो रहा है पता नहीं। तीन गाने लास्ट, अभी तक कोई रीडिंग में इतने चैनल का भी मीन्स गाने का भी चैनल नहीं हुए। ये रीडिंग से पता नहीं क्यों मुझे चैनल गाने चैनल हो रहे। वो भी गाना ये आ रहा है, आँख है छुकी छुकी और तुम जैसे आप मुझे कह रहे हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आँख बंद है आपकी, यहाँ पे भी बंद है, तो यहाँ इसलिए शायद मुझे गाना ये हो गया, ठीक है, ओके। और तुम दिल लगाने की बात करते हो, ठीक है, जिंदगी खफा खफा और तुम, क्या है, देख लेना यार गाना, प्लीज सुन लेना, ठीक है। टू ऑफ सॉर्ड्स को हम यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे, टू ऑफ सॉर्ड्स इज क्लैरिफाई यूनिवर्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, ये कार्ड से लेंगे, टू ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई, प्लीज क्लैरिफाई द टू ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू यूनिवर्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ही ज्यादा कार्ड्स निकले, ओके, वन सेकंड, हाँ सी मैं एक एक कार्ड मैं क्लैरिफाई करूंगी वर्गो आपके लिए। सी आपको फोकस करना है, ठीक है, आपके करियर के ऊपर भी और ये रिलेशनशिप के ऊपर भी, ठीक है, और आपको ये कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि आपको किसको वैल्यू देना है, आपको आपके पर्सन को ही वैल्यू देना है, ठीक है, ना कि आपकी सोसाइटी को या जो भी है, ठीक है। आपको पता है कि आप कौन से स्ट्रगल लाइफ से या किस सिचुएशन से आप बाहर निकले हो, ये आपको पता है, तो प्लीज वैल्यू, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। लेट्स सी, आपको कुछ मैसेज रिसीव हो रहे होंगे यूनिवर्स के तरफ से, जो भी आ रहे होंगे, ठीक है, उसको प्लीज रिसीव कीजिए। एंजेलिक नंबर आपको दिख रहे होंगे, कुछ भी तो उसको रिसीव करके उसको देखिए और उस वे से आपको जाना है, ठीक है, उस वे से आपको जाना है, ठीक है। पास्ट को आपको पूरा भुला देना है, आपको पास्ट याद नहीं रखना है, ठीक है, फ्यूचर के तरफ देखना है। सेवन ऑफ पॉइंट्स और फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, पूरा डिप्रेशन से निकल जाना है, भगवान ने आपको इसमें से निकाला है, ठीक है। जो भी आपके ऊपर गलत, आपसे गलत व्यवहार करता था या जो भी, तो उसको भगवान ने आपको निकाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे सरेंडर की जो भावना है, तो यहाँ से आप बच चुके हो, यहाँ पे यही हो रहा है, इसलिए आपको पास भूलना है, ठीक है, और आपको आपका अभी ओपन माइंड रखना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है, सेल्फ लव करना है, खुद को संवारना है, ठीक है, और नई चीजों के लिए, नए दुनिया के लिए आपको यहाँ पे ओपन रखना है खुद को, और इसके लिए आपको निकलना है। तो ये यहाँ पे आपके करियर के बारे में भी आया है और आपके लव लाइफ के बारे में भी आया है कि आप आगे बढ़ सकते हो। यस 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 यस, और आप डेफिनेटली खुद को निकालोगे वहां से, आपको पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। यस, द मैजिशियन, मिरेकल होंगे आपके लाइफ में वर्गो, आपके लाइफ में मिरेकल होने वाले हैं, प्लीज बिलीव, ठीक है, आपको विश्वास रखना है खुद पर और आपके परमात्मा के ऊपर, ठीक है, जिनको भी आप चाहते हो और जिनकी आप पूजा करते हो, ठीक है वर्गो। इट्स अ गुड रीडिंग, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी रीडिंग थी, आई लव मैं तो प्यार में गिर गई ये रीडिंग में के। या तो वर्गो नेक्स्ट, या वर्गो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।